क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अगर ये इस तरह से काम करेंगे तो? मेरा जूता लेके भाग रहा है ये। अरे मेरा जूता दे दो। बस आराम से हो गया हो गया। ये देखिए जनरल में चढ़ने के लिए देखिए लोग हैं। रास्ते में फिर से शायद मुलाकात हो। ऐसे छोड़ कोई बात हो उधर फेंक रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किए हैं उधर फेंक। ऐसा लेमन टी कोई नहीं पिलाएगा एकदम ओरिजिनल। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12554 वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना न्यू दिल्ली से सहरसा रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ, ये जो ट्रेन है शाम में 8:40 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 8:20 पर बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। और इस ट्रेन में आज हम लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं 3rd AC कोच में। अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और ट्रेन का वेट कर रहे हैं और टाइम भी हो रहा है 8, मतलब 40:44 हम लोग पहुंच गए थे। क्योंकि एक बार क्या हुआ ना कि ट्रैफिक की वजह से ट्रेन छूट चुका है, तो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो भी दिल्ली में। और भाई वैशाली सुपर फास्ट ट्रेन का इतना डिमांड है ना, आप लोग कितने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया फुल जर्नी कीजिए फुल जर्नी कीजिए, आज फाइनली मौका मिला है। टिकट जल्दी मिलता नहीं है इस ट्रेन में, कैसे कैसे जुगाड़ करके टिकट किए हैं आप लोगों के लिए। तो भाई साहब ये आ चुकी है अपनी ट्रेन 8:13 पे। अजनी का WAP 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें। ये देखिए जनरल में चढ़ने के लिए देखिए लोग कैसे, अभी ट्रेन लगी नहीं है। तो वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में हम लोग की जो यात्रा है वो होने वाली है ये 53 मिडिल बर्थ मिला है। और गाइस कमेंट करके बताइए इसका लुक कैसा लग रहा है, इसे गजनी बनाए हैं आज। गुप्ता जी बोलिए, अच्छा कैसा फील हो रहा है? माथा हल्का हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा बाल था भाई, इतना बड़ा इतना इतना बड़ा सो कटवाए हैं छोटा। पब्लिक बताएंगे कि किस वीडियो में देखे थे कि मेरा कितना बड़ा बाल था, पब्लिक को पता है। तो भाई बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। सो गाइस तो अभी रात के बज रहे हैं 9:34 और गाजियाबाद इस ट्रेन का पहला हॉल्ट था, वहाँ पे अपनी ट्रेन रुकी थी 2 के लिए। तो अभी सोते हैं हम लोग और फर्स्ट डे इस ट्रेन में पेंटे से खाना फर्स्ट डे भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली पैसेंजर जो है वो घर से ही खाना लेके आते हैं। कल जो है ना पेंटे का खाना ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि वैशाली सुपर फास्ट का पेंटे का खाना कैसा है, खाने लायक है या नहीं, कितने प्राइस में दिया जा रहा है, वो सारा चीज़ कल के ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे। तो चलिए सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह जब वॉशरूम यूज करने के लिए उठे तो देखे एक GRP पुलिस अधिकारी वॉशरूम के गेट पे से ही शुशु कर रहे थे। बताइए एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इस तरह से कैसे कर सकते हैं, दूसरे को ये ज्ञान देते हैं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना और खुद ये इस तरह का काम करते हैं, लोगों के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो अगर ये इस तरह से काम करेंगे तो?
डस्टबिन है उसके बावजूद उधर फेंक रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किए हैं उधर फेंक के। तो अभी आपने देखा अपनी ट्रेन के OBH से स्टाफ जो है वो ट्रेन का कचरा कहाँ फेंक रहे थे, मतलब चलती ट्रेन में ट्रैक के ऊपर कचरा फेंका जा रहा था, जबकि मना कर रहे थे बार बार कि भैया मत फेंकिए मत फेंकिए, फिर भी ना कहाँ सुनने वाले हैं भाई साहब। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन में, हर ट्रेन में यही होता है, कचरा ट्रैक में फेंक दिया जाता है, जबकि प्रॉपर ट्रेन में डस्टबिन होता है, कैरी बैग दिया जाता है कि भाई कचरा को कैरी बैग में डालिए और स्टेशन पर डिबोर्ड कर दिए, स्टेशन पे डाल दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलती ट्रेन में आप ट्रैक पे कचरा फेंकिए, लेकिन मना करने के बावजूद भी ये लोग मतलब मानते नहीं है। पैसेंजर का बात कौन सुनता है भाई, कोई नहीं। अब क्या किया जाए बताइए, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है, कचरा ट्रैक पे नहीं फेंकना चाहिए, पैसेंजर को भी नहीं फेंकना चाहिए। सबसे पहली बात तो पैसेंजर को तो फेंकना ही चाहिए, और जब स्टाफ ही फेंक रहे हैं तो पैसेंजर क्या करेंगे बताइए। गुड मॉर्निंग गाइज, तो 638 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का नौमा हॉल्ट गोंडा जंक्शन, जो कि आता है यूपी में स्टेशन कोड GD, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का गोंडा जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 6:32 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है 35 मिनट डिले। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है गोंडा जंक्शन, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 180 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है गोंडा में। वैसे ब्रेकफास्ट में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिल जाएगा। केला वगैरह मिल जाएगा, मतलब फ्रूट्स भी मिल रहा है, समोसा वगैरह भी मिल जाएगा, पेठा वगैरह भी आपको मिल जाएगा। सुबह के बज रहे हैं 7:30, तो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। वैसे इस ट्रेन में ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट और थोड़ी देर बाद पनीर पकौड़ा, मतलब ब्रेकफास्ट में ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने लिया है ये ब्रेड ऑमलेट लिए हैं, ब्रेड कटलेट पहले लिए थे लेकिन उसमें बटर था ही नहीं, जबकि क्या होता है ब्रेड कटलेट के साथ बटर भी देना होता है, ब्रेड ऑमलेट के साथ भी बटर देना होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि बटर आया ही नहीं, तो फिर ब्रेड ऑमलेट हम लोगों ने ले लिया। ये मुझे पड़ा 50 का, ब्रेड कटलेट होगा 40 का। सात सौ 27 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 10वां हॉल्ट उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BST, और यहां पर अपनी ट्रेन का
हॉल्ट है सिर्फ 3 मिनट का। वैसे बस्ती रेलवे स्टेशन में वैशाली सुपरफास्ट का पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:47 और हम लोग की जो ट्रेन यहाँ पहुंची है 30 मिनट डिले। वैसे 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है बस्ती लोकोमोटिव है उसके पीछे डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है वो पैसेंजर ट्रेन है। वैसे अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो टोटल 1288 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस 1288 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को समय लगता है 23 घंटा 40 मिनट का। अगर मैं हॉल्ट की बात करूँ तो इस ट्रेन का हॉल्ट है 24। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 12वां हॉल्ट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जिसका स्टेशन कोड है GKP और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी वैशाली सुपरफास्ट का पहुंचने का टाइम है सुबह के 9:20 और हम लोग की ट्रेन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पहुँची है गोरखपुर। 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है गोरखपुर। अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 200 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। वैसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हर फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, रिटायरिंग रूम डोरमेट्री रूम भी मिल जाएगा। और अभी हाल ही फिलहाल में नॉर्थ इंडिया का पहला स्लीपिंग कोच होटल वो भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे खुला है। आप चाहे तो वहाँ भी स्टे कर सकते हैं सिर्फ 299 रुपीज़ में आप वहाँ रुक सकते हैं सिर्फ 299 में। उसका वीडियो हमने बनाया है, एक अलग से व्लॉग बनाया है, एक मेरा नया चैनल है VS Monu Extra, आप सर्च कीजिएगा, लिंक नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सर्च करना पड़ेगा VS Monu Extra लिखिएगा, वीडियो आएगा वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप स्लीपिंग पॉड का आप वीडियो देख सकते हैं। प्रॉपर बताएगा कितने रेट में कौन कौन सा रूम में मिल जाएगा आपको, कैसा है इंटीरियर वगैरह, हर एक डिटेल्स बुकिंग के लिए क्या क्या लगेगा सारा डिटेल्स आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए मेरे एक नए चैनल को सर्च कीजिए VS Monu Extra को, वहाँ भी जाके अपना सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि नया नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पे VS Monu Extra। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि वाटर फिलिंग किया जा रहा है, ट्रेन के लोको पायलट भी चेंज हुए हैं, ट्रेन के मैनेजर भी चेंज हुए हैं और भाई साफ़ सफाई भी किया जा रहा है वॉशरूम का। वैसे अंदर में OBH से स्टाफ है लेकिन स्टेशन पे भी साफ़ सफाई होता है ना, वो अभी हो रहा है। तो यात्रीगण से अनुरोध है कि स्टेशन परिसर में गंदगी ना फैलाए, पान गुटखा खाकर नहीं फेंके, नहीं तो 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है भैया। सुने यही अनाउंसमेंट हो रहा था।
गाइस, तो देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के बाद इस ट्रेन से पैंट्री के खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है। नॉर्मली जो सभी एक्सप्रेस ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन में पैंट्री से खाना दिया जाता है, वही इस ट्रेन में भी आपको मिलेगा। वेज थाली, चिकन थाली और अंडा थाली। और देखिए, अभी मिनी ट्रेन थी भाई साहब, ये तो हमें लगा कोई ट्रेन होगी, लेकिन ये मिनी ट्रेन, तीन कोच था मुश्किल से। तो गाइस देखिए, मेरा जूता लेके भाग रहा है ये। अरे मेरा जूता दे दो, दोनों जूता ले गया भाई। कह रहे कि सिवान भोजपुरी इलाका है, भोजपुरी बोली जाने, जो खान पान का जो चुनाव है वो भाषा से, एक भाषा जैसी जहाँ पर मासी करता है। ओए चिकलो बकलो, मेरा जूता चोरी करके जा रहा था। तो भाई मिलिए मेरे को पैसेंजर से, ये छोटकू से, रात भर सोने नहीं दिया किसी को, अभी ऐ कर रहा है। अब मेरा जूता लेके भाग रहा था ये, इसको पकड़ लिए अभी। अब जूता लेके नहीं जाएगा ना, ले जाएगा पता। हाँ भाई, देखो बाहर, देखो बाहर, देखो क्या क्या है बाहर, बताओ। डॉगी दिख रहा है? कहाँ डॉगी दिख रहा है? काउ था, देखो देखो काउ था। ओ इधर खड़ा होके देखो, हाँ देखो खड़ा होके। समझ 904 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 14वां हॉल्ट बिहार के सिवान जंक्शन पे। जी हाँ, हम लोग की ट्रेन अब यूपी से बिहार में इंटर कर चुकी है और सिवान रेलवे स्टेशन पे अपनी वैशाली सुपरफास्ट का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:30 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 5 मिनट डिले। वैसे सिवान जंक्शन जो है ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 110 ट्रेन आकर रुकती है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मभूमि है सिवान। और देखिए खाना तो आ चुका है, ठीक है, पहले खाने का ऑर्डर ले रहे थे तो उन्हें नहीं पता था शायद मेरे बारे में, ठीक है, लेकिन जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो शायद पहचान गए हैं कोच के स्टाफ, पेंट्री के स्टाफ, तो एक्स्ट्रा से पराठा वगैरह दही वगैरह ला के ऑलरेडी रख दिए है। सिवान के बाद ट्राई करते हैं, देखते हैं खाना कैसा है इस ट्रेन का। अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं, क्या नाम हुआ भाई? सिवानशु पांडे। सिवानशु पांडे जी हैं, ये प्रॉपर सिवान से ही हैं और मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। अभी पता चला इनके रिलेटिव भी ये समस्तीपुर में ही रहते हैं, तो आना जाना होगा तो मुलाकात इनसे होगा। ये वीडियो कैसा लगता है? बट बहुत बढ़िया लगता है वीडियो, बढ़िया लगता बहुत है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और एकदम साफ़ सुथरा आवाज़, मतलब आपका है एकदम क्लीन बोलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे एकदम डाउन टू अर्थ हैं। भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा भाई। वैसे तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ लगभग 15 मिनट रुकी है। और हाँ, को पैसेंजर से मुझे पता चला है कि सिवान रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको कोलकाता बिरयानी मिलेगा, काफ़ी फेमस है यहाँ का, अगर आप आते हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 12:08 और पेंट्री से हम लोगों का स्टैंडर्ड वेज मील और स्टैंडर्ड अंडा थाली आ चुका है। और हमने आपको पहले ही बताया कि पेंट्री के स्टाफ वीडियो बना रहे थे तो वो पहचान लिए, तो थोड़ा स्पेशल खातिरदारी किया गया। पहले तो वो मना कर रहे थे कि दही नहीं होगा, रायता होगा, फिर हम बोले अच्छा ठीक है। फिर वो पेंट्री में गए तो शायद जो भी आइडेंटिफाई कर लिया गया मुझे, फिर देखिए खातिरदारी, एक्स्ट्रा दही दिया गया, एक्स्ट्रा पराठा दिया गया, कि ऐसा क्यों भाई, एक्स्ट्रा क्यों दे गया मालूम है ना। गलत करते हुए बहुत बार पकड़े हैं इन लोगों को, इस वजह से इनके अंदर डर है कि कहीं हमें भी नहीं पकड़ा जाए,
इस वजह से ये एक्स्ट्रा खातिरदारी किया जा रहा है। स्टैंडर्ड वेज मिल जो होता है उसमें आपको एक सब्जी मिलेगा, दाल मिलेगा, राइस मिलेगा, दो पराठा मिलेगा, साथ में एक कर्ड मिलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिया गया है। और ये अंडा थाली 90 वाली स्टैंडर्ड अंडा थाली, इसमें भी अंडा ग्रेवी मिलेगा, साथ ही दाल मिलेगा, राइस मिलेगा, पिकल मिलेगा, दो पराठा मिलेगा और कर्ड मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जो है हम लोग को एक दही दिया गया है और एक एक पराठा का पैकेट एक्स्ट्रा दिया गया हम लोग को। ये रहा अपने खाने का बिल आज का, एक स्टैंडर्ड वेज मील और एक अंडा थाली। अंडा थाली बताओ भाई कैसा है? भैया अंडा थाली अच्छा था और थोड़ा सा है ना भाई नमक तेज था उसमें। तेज था तो ओवरऑल ठीक था। नौ सौ 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 15वां हॉल्ट बिहार की छपरा रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है CPR। और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का, वैसे 42 सुपरफास्ट का। छपरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:40 और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है 15 मिनट डिले। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है छपरा और खिलाड़ी और रोजाना 140 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो ये चलती है 3 जनरल कोच के साथ, इसमें 6 स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 6 थर्ड AC का कोच लगा हुआ है, 2 सेकंड AC का कोच लगा हुआ है, 1 फर्स्ट AC का कोच लगा हुआ है, 1 थर्ड AC इकोनॉमी का कोच लगा हुआ है और 1 पेंट्री का कोच लगा हुआ है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन मतलब न्यू दिल्ली से सहरसा के बीच में स्लीपर क्लास में, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 540 रुपया। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल कीजिए जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1455 रुपया। और देखिए जस्ट मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये लगी हुई है न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट, ये हो गई स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन और इधर होगी अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। तो स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग की वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन को छोड़कर चली गई, लेकिन देखते हैं रास्ते में फिर से शायद मुलाकात हो। ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। आ रहा हूँ मैं पीछे से छपरा रेलवे स्टेशन पे। ये लेमन टी लिए हम लोगों ने, दूध वाला चाय नहीं पीते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्या चाचा सही बात है ना? लेमन टी, ये लेमन टी एक नंबर चीज़ होता है, ये आप पी सकते हैं, ये मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को। मसाला वगैरह देखिए मस्त। और कैसा लग रहा? अच्छा है। अच्छा तुम तो खुश हो गया होगा, चाय पीने में एक्टर है गाइस। ये दिन में अच्छा अच्छा इस स्टेशन पे नहीं अच्छा अच्छा चाय को हम ही बेचते हैं। तो भाई देखिए चाचा बोल रहे हैं कि मेरे ऐसा लेमन टी कोई नहीं पिलाएगा, एकदम ओरिजिनल चाय ये बेचते हैं। सही है, सबसे बड़ी बात है कि नींबू वगैरह क्वांटिटी में देते हैं। तो देखते हैं बहुत लोग हाफ नींबू को 10 कप में डालेगा ऐसे ऐसे। हाँ नहीं सही है वो तो, वही तो बता दिया था बात बराबर है ना। सही में भाई बढ़िया चाय, इसमें सूप वगैरह भी डाला हुआ है, मस्त लग रहा Thank you.
तो अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन जो है सोनपुर रेलवे स्टेशन पे आके रुकी है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। पहुँचने का टाइम 1:38 और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं। एक 1030 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 17वां हॉल्ट बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है HJP और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 1:50 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 30 मिनट डिले। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है हाजीपुर। अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 190 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है, और अगर आप हाजीपुर आते हैं तो यहाँ का फेमस चिनिया केला, उसको चिनवा केला भी कहते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटा छोटा होता है, एक बार नहीं कितनी बार आपको बताएं, हम लोग तो आते जाते रहते हैं इस रूट से, घर ही है इस रूट में, खाते रहते हैं। आप अगर पहली बार आते हैं इस रूट में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है यहाँ का चिनिया केला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत मीठा होता है ये। और हम लोग की जो ट्रेन है वो हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाद देखिए कोच का कंडीशन, कोच मतलब ऑलमोस्ट खाली हो जाती है। और ये तो भाई अपना सीट था मिडिल बर्थ, लगेज नीचे में है लेकिन लगभग खाली है। फिर में हम लोग समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आप सभी को वैशाली सुपरफास्ट का वाशरूम का कंडीशन दिखाना चाहता हूं, वो भी 3rd AC का। तो देखिए वाशरूम में जाने से पहले सबसे पहले पानी चेक करते हैं, पानी नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूरी जर्नी के दौरान ये समस्या हुआ, इससे पहले भी 2 बार समस्या हो चुका है। सुबह सुबह भी पानी नहीं आ रहा था, फिर वाटर फिलिंग हुआ तब जाके पानी आया। वाशरूम में आते ही सामने में मिरर देखिए, मिरर का साफ सफाई आपके सामने ही है, क्लीन उतना नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, एवरेज कह सकते हैं। और ये रहा बेसिन, इसके साफ सफाई देखिए, पानी अंदर आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है लेकिन अंदर पानी आ रहा है। नीचे डस्टबिन है, साफ सफाई एवरेज ही है।
भाई मैनेजर को जो पानी की सप्लाई करता उसको दो रुपया ठेका पैके दे ठके दिया था उसको गरीबन ने। ग्यारह सौ पैंतीस किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। और समस्तीपुर जंक्शन जो है ये वैशाली सुपरफास्ट का 19वां हॉल्ट है। वैसे देखा जाए यहां पे अपनी ट्रेन का वैशाली सुपरफास्ट का पहुंचने का टाइम है 2:55 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 55 मिनट डिले। वैसे यहां से ये ट्रेन जो है ना सहरसा की तरफ जाएगी, और समस्तीपुर से सहरसा की जो दूरी है वो लगभग 120 किलोमीटर की है यहाँ से समस्तीपुर से, लेकिन हम लोग समस्तीपुर में ही ट्रेन से डिबोर्ड हो गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग जर्नी एक्सपीरियंस का। सबसे पहले बात करते हैं पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी आपको पता ही चल गया, 50-55 मिनट डिले हम लोग पहुँचे हैं समस्तीपुर, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई इस ट्रेन का एवरेज है, लेकिन पानी की समस्या पूरी जर्नी के दौरान हुआ है। अभी भी वाशरूम के बाहर पानी नहीं आ रहा, वाशरूम के अंदर पानी आ रहा लेकिन वाशरूम के बाहर पानी नहीं आ रहा है। रही बात खाने पीने की, तो स्ट्रीम में पैंट्री कोच है, पैंट्री में थाली जो है वेज थाली 120 का, 150 का एग थाली और चिकन थाली 180 का बेचा जा रहा है। अगर आप बोलिएगा स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में तो आपको सही रेट पे खाना दिया जाएगा, बिल मांगिएगा तो बिल भी आपको दिया जाएगा। चलिए आज की जर्नी को ये रखते हैं। बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था, लोग कह रहे थे कि भैया वैशाली सुपरफास्ट में ट्रैवल कीजिए, कॉन्टेंट दिखाइए। लगभग 2 साल या 3 साल बाद हम इस ट्रेन में ट्रैवल किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक ख्याल रखें अपने परिवार का, ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगातार सब बाइक से जर्नी करते रहे। शू सूल पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। अरे आराम से लगा दे रहा, टेंशन मत करो। तो कपड़ा सुनो बताते हैं, कपड़ा मत लगाना ठीक है, फेस पे लगाना। तो होली के बाद आया है अमन घर, तो यहाँ पे होली मन रहा है। चंदन बाबू चंदन जी गुप्ता जी को रंग लगाते हुए आराम से, आराम से कपड़ा भी मत गिराना, दोनों हाथ से मिला दो, मुंह झुका हाँ मुंह झुका कपड़ा में लग जाएगा, मुंह झुका लो ना, इधर लगा लो ना, झुका लो ये एक मिनट बस, आराम से हो गया होली है इधर बोल दो होली है होली खत्म हुए, बताइए लगभग 15 दिन हो गया के बावजूद भी होली चल रहा है। अभी मत लगाना। और ये देखिए 5 मिनट रुकने के बाद अपनी वैशाली सुपरफास्ट का डिपार्चर हो चुका है समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। ये वैशाली का स्लीपर क्लास है भाई, इसमें जल्दी तो टिकट मिलता ही नहीं, कितना मुश्किल से 3 सी में टिकट किए थे। और आप लोगों को जर्नी दिखाया, अगर कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा।